प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम आज आप नानी दादी से सुनी गई कहानियों के सिलसिले बज़म इतफ़ाल की कहानी नंबर ग्यारह अलाम सुनेंगे जिसको आपके लिए तहरीर किया है मशहूर मारूफ लिखारी बशीर शाद ने और मैं हूं आपका पेशकार जी शेख किस्सा कुछ यूं है आतिफ़ रुकैया अपने मामों के यहाँ चंद दिनों के लिए गए हुए थे जहां उसके मामू की बेटी बल्किस आतिफ की हम और बेटा आरिफ रुकैया जितना था सब ने मिलकर मशवरा किया कि आज की शब आतिफ रुकैया के नाना और बल्किस रुकैया के दादा जान से कोई कहानी सुनी जाए वो धीरे धीरे इनके कमरे में गए और आदा बाजार आए क्या बात है इधर कैसे अगर कहानी सुनना चाहते हो तो इधर आ जाओ नाना जी आप हर बार अपनी जान छुड़ा लेते हैं कोई अपनी कहानी ही सुना दो हमारी तो तमाम कहानी हमारी बीवी से वाबस्ता है वह वा, तो आज बर्मला खरी खरी कह रहे हैं कहीं दोस्तों की जानब घूमने तो नहीं जाना नहीं ऐसी कोई सोच नहीं इतनी सर्दी में रात को कौन बाहर निकलता है कोई बात है जरूर चाय की तलब हो रही है बना दू लेकिन लेकिन क्या फिक्रा तो मुकम्मल करो इन बच्चों को अपने या अपने किसी दोस्त की आबीती ही सुना दो कौन सी वाली वो वाली जो बैंक में अच्छा अच्छा तुम्हें पसंद है तो बना के लाओ अपने हाथ से कड़क दूध पत्ती और हम तुम्हारे आने तक तैयारी करते हैं चाहे बहू से बनवा के ना ले आना उनको आराम करने दो सबकी दादी नानी चल दी बावर्ची खाने और बच्चे खुसर फसर करने लगे थोड़ी ही देर में चाय के दो कप ले के दादी नानी इस महफिल में शामिल हो गई अच्छा तो प्यारे बच्चों ये एक मेरे दोस्त की कहानी है जो इसके साथ हुआ सुनाने लगा हूं उन्हीं की जबानी इसमें एक नसीहत भी है और इस पर गौर बहुत जरूरी है कुर अर्ज में बसने वाली हर जीरो की जिंदगी में ऐसे वाकयात रूनम होते हैं जो सदा के लिए अपने नकुश छोड़े नाकबले फारामोश के जुमरे में अपनी हैसियत को बरकरार रखते हुए इन गुजरे लम्हात की याद को महफूज रखते हैं और जब कभी भी याद माजी ओत कर आती है तो इनके अवामल मनोमन आंख आंखों के चश्मदीद गवाह बनकर मुतहरक हो जाते हैं इसी तरह का एक वाकया आप सबकी नजर करने की जसारत करने चला हूं उम्मीद वासिक आप इससे महफूज होंगे बैंक सऊदी अल फ्रांसी मदीना मनवरा से मेरी तब्दीली सऊदी अरब के शहर नजरान में भसीयत बराज कंट्रोलर हुई तो मदीना मरवरा छोड़ने का कल्क हुआ लेकिन दिल को दलासा दिया कि यहाँ रहने की इजाज़त भी तो इनकी तस्दी की मोड़ से वाबस्ता है उन्नीस सौ पचासी की गर्म रुतों में नजरान की फ्लाइट पकड़ी और हवाई अड्डे से उतरते वक्त मुल्क यमन के दारुल सल्तनत के आसार भी नमाया हुए हवाई अड्डे पर हमें बैंक का ड्राइवर लेने आया बाद अजान अलैक सलैक रास्ते में बैंक की दिखाते हुए एक आली शान के कुशादा आनी खुदकार दरवाज़ा खुलते ही उसने कार पार्किंग में लगा के हमारा सफरी सामान घर के अंदर रख के चाबियां हमारे हवाले की और जाने की इजाजत चाहिए वो तो चला गया और हमने घर का जायजा लेना शुरू कर दिया तो एक जानब छोटा सा स्विमिंग पूल तो दू, दूसरी जानब क्यारियों में खूबसूरत फूलों की रंगीनियाँ घर का कुशादा ड्राइंग रूम बेडरूम वाश रूम वाशरूम खाना मुकम्मल फर्नीचर के साथ आरिस्ता इस रिहायश में आते ही सामान तयश की फरावानी मुदीना मनवरा से रुखसती के दर्द का मदावा ना बन सकी कसक अपनी जगह बरकरार थी कि बैरूनी दरवाजे की घंटी बजी कैमरे में झांका तो कोई अजनबी मौजूद पाकर खुद दरवाजा खोला तो उसने बताया कि इस अमारत के मुतसल बैंक हॉस्टल है चलिए खाना तनावल फरमाइए और यूं हमारी रिहायश के साथ साथ मनोसलवा का भी एहतमाम हो गया सुबह आठ बजे तक बैंक तक ड्राइवर ले आया बैंक दरवाजे पे चौकीदार ने दरवाजा खोला और हमें बैंक मैनेजर के कमरे तक रसाई मिल गई तानियाती अहकाम मैनेजर के स्पुत करते हुए हमने अपने कंट्रोलर की कुर्सी संभालने से कबल ब्रांच में काम करने वालों से मुलाकात की और हेड कैशियर को साथ लेकर बैंक के कमरे में मज़बूत दीवारों के आसार में दुनिया भर की करंसियों से भरे सेफ को खोलने वाली तीन चाबियों का जायजा लिया जो कि मैनेजर कंट्रोलर और हेड कैशियर की हिफाजत में थी जब तक दो चाबियां न लगाई जाती सेफ का कोड नहीं लगता था कैशर के पास और सेफ में मौजूद तमाम रकूम का हिसाब बराबर करके काम की इब्तः की मदीना मनवरा में जिंदगी गुजारते हुए बैंक सऊदी फ्रांसी मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब था और दिल की तमाम तमन्नाएँ पूरी होती रहती थी लेकिन यहाँ आ के दिल उदास और आंखें बेताब रहने लगी। नजरान से हफ्ते में एक बार मुझे हेड ऑफिस जद्दा से दुनिया भर की मजबूत साकी करेंसियों और थॉमस कोफ ट्रैवल चेक से भरे बरीफ केस को लाना होता था जिसके लिए फर्स्ट क्लास की दो सीटें एक मेरी और मुल्क़ा जहाज की खिड़की की जानब वाली सीट पर ब्रीफ केस का सफ़र कटता हवाई अड्डे पर बैंक गार्ड और ड्राइवर के हमरा बैंक पहुँच कर मैनेजर या हेड कैशियर की रफाकत में ब्रीफ केस सेफ में रख के कोर्ट घुमा दिया जाता बैंक के सामने वाली बड़ी सड़क पर आमदोरफ़ चौबीस घंटे रहती है और बैंक के चौकीदार अपनी अपनी खिदमत अपने औकातः कार में बखूबी निभा रहे होते हैं सऊदी अरब में जुम्मे की छुट्टी मदीना मनवरा में यूं गुजरती कि दुनिया भर की खुशियाँ मिल जाती थीं और मक्का मुआज़मा में उम्र की अदायगी जियारत जिंदगी का मामूल बन गया था खुद को मसरूफ रखने के लिए हमने सोचा कि हर जुमा सुबह दो तीन घंटे बैंक में मज़ीद काम कर लिया जाए तो शायद सकू मयसर आ जाए जी आज जुम्मत मुबारक छुट्टी के दिन रोज हम सुबह नौ बजे बैक पहुंचे तो दरमियाने कद के चौकीदार ने बैंक का दरवाजा खोला मगर हंसते हुए ये भी कहा कि आज छुट्टी है जिसे सुनकर हमने कोई जवाब तो ना दिया मगर सोने की खरीदो फरोख्त की तरतीब में वक्त गुजर गया ताजर सोना डॉलर की अदायगी करके खरीदेगा और उसके पास सऊदी रियाल होंगे फिर डॉलर्स गोल्ड खरीदेंगे इस तरह डबल एंट्री में दोनों तरफ से बैंक का फायदा होगा इन्हीं सोचों मुस्तरक था कि यकदम बैंक के, के, के खतरे का अलार्म मतवातर बजने लगा और वो चौकीदार जो बैंक के दरवाजे पर मुतयन था उसने फौरी बाहर से दरवाज़ा मुकफल करके हमें दरवाजे की जानब बढ़ते हुए देख कर तफशीशी नज़रों से घूरते हुए ऊँची आवाज़ में तम्बी की कि खबरदार बाहर का रुख मत करना पुलिस के आने तक अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठे रहो मैं इस नागानी अफ्ताद पे भौखला गया और तीन मिनट्स के दौरानिए में पुलिस अंदर आई और मुझे हथकड़ी लगा के कुर्सी पर बैठने की तल्कीन की अलार्म उन्होंने फौरी बंद करके मैनेजर को फोन किया वो ना मिला तो हेड कैशियर को इतला दी जो बैंक के करीब ही रिहाइश पजीर था अपनी चाबी ले कर आ गया लेकिन इतने में फिर से अलार्म बजने लगा पुलिस इस अलार्म पर दम बखुद रह गई और बैंक में आए हुए हेड कैशियर को भी हथकड़ी लगा दी अब कैशियर और मैं एक दूसरे को देख रहे थे कि पुलिस के एक तजर्बाकार ने गहरी सोच में डूबे असल मुहरक का जायज़ा लिया उसके चेहरे के तसरा इस वक़्त हंसी हांस, में तब्दील हुए जब एक भारी भरकम ट्रेलर सड़क पर से गुजरा तो फिर से अलार्म बजने लगे हम दोनों की हथकड़ियाँ खोल दी गईं और सड़क पर एक गटर का ढकना टूटा हुआ किसी भी भारी भरकम से थरथराट पैदा करता जिसका इतलाक अलार्म की हासासीत को शोर मचाने पर मजबूर कर रहा था फ़नी खराबी अलाम में भी थी जिसे दूर किया गया और गटर के टूटे हुए ढकने को फ़ौर बल्दिया ने बदल दिया लेकिन हमने खुद को भी इस वाक़े के मदोज़र में बदल डाला कि छुट्टी वाले दिन काम पे आके अपनी इज्जत का अलाम नहीं भजवाएंगे बच्चों की हंसी रोकने का नाम नहीं ले रही थी और दादी जान की मुस्कुराहट भी अरूज पर थी यूं बच्चे हशाश बचाश शब्बाकार कह के अपने कमरों में चले गए